दावे चाहे कितने भी कर लिए जाएं, लेकिन सीएम योगी तो नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी का तो हटना लगभग तय है। अरे भाई, अब तो पोस्टर से भी नदारद हो गए हैं सीएम योगी। जब पोस्टर से गायब हो गए तो भला कुर्सी पर कैसे दिखाई दे पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अब सीएम योगी का सत्ता क्या कुर्सी पर भी बने रहना नामुमकिन सा है। हाँ, उनकी कुर्सी को लेकर बातें बहुत सी की जा रही है। बड़े बड़े नेतागण आकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रहे हैं, लेकिन योगी तो नहीं आ पाएंगे। शायद बीजेपी आलाकमान को भी ये समझ में आने लगा है कि ये घाटे का सौदा है। तभी तो निषाद पार्टी की जिस संयुक्त रैली में उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों की तस्वीर दिख रही थी, उस पोस्टर में सीएम योगी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। सवाल ये कि आखिर क्यों, आखिर कैसे सीएम योगी की तस्वीर पोस्टर में नहीं लगाने की गलती की जा सकती है। ये गलती नहीं हो सकती। हाँ, जानबूझकर जरूर तस्वीर को हटाया जा सकता है, और जब तस्वीर हटाई गई तो फिर सवाल भी उठेगा। और सवाल उठाया पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर साझा किया, लिखा, हटाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है क्या? क्या फायदा महाराज जी, खर्च आप उठाएं और आप ही तस्वीर से गायब हो जाएं। जरा अपने कलहकारों से इस मामले की जांच कराइए। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स जमकर ट्वीट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सैयद हुसैन नाम के यूजर ने लिखा, अभी तो फोटो से गायब हुए हैं, चुनाव के बाद प्रदेश से गायब हो जाएंगे। भाजपा किसी की सगी नहीं है, अभी भी वक्त है योगी जी, कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। के शुक्ला ने लिखा, उत्तर प्रदेश के पैसे से बने विज्ञापन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब हो जाएं, ये प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। पहले कॉरिडोर उद्घाटन में पूरे पूरे पेज पर खाली पीएम, अब इस विज्ञापन में भी योगी जी को स्थान नहीं। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। रवि यादव लिखते हैं, सर पोस्टर पर फोटो लगाने न लगाने का अब शायद कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जनता अब इनको देखना और सुनना बंद कर चुकी है। जनसभाओं में जो थोड़ी बहुत अंधभक्तों की भीड़ जाती भी है, वो भाड़े पर। अनिल यादव ने लिखा, ग्राफ गिर रहा है, पोस्टर से ही हटा दिए। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या कुछ एक आद को छोड़कर जनता भी चाहती है कि प्रदेश से योगी समेत बीजेपी सरकार का सफाया हो जाए? क्या अब योगी राज से प्रदेश की जनता भी मुक्ति चाहती है? क्या अब योगी से जनता भी त्रस्त हो चुकी है? जनता के इस त्राहिमाम को क्या बीजेपी आलाकमान ने समझ लिया है? क्या इसलिए पोस्टरों से योगी जी अब नदारद रहने लगे हैं? क्या ये अंदेशा है साल 2022 के चुनाव के लिहाज से? क्या इन्हीं सब चीजों के जरिए बीजेपी अपना एजेंडा दर्शाना चाहती है? पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने तो सवाल उठा दिए, प्रदेश की जनता ने भी सवाल दाग दिए। अब जरूरत है तो बीजेपी को अपना स्टैंड साफ करने की, बीजेपी को बताने की प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए योगी के लिहाज से उसका एजेंडा है क्या। संभव है कि इससे बीजेपी को फायदा ही हो जाए। क्या पता प्रदेश की जनता योगी को ही हटाना चाहती हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो जीत की बड़ी तैयारी कर ही ली है, जो आपको और हम सबको नजर आ रही है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी भी सोच सूर्य प्रताप सिंह से मेल खाती है? योगी को प्रदेश के सीएम पद पर बनाए रखने या नहीं बनाए रखने के बीजेपी के स्टैंड पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा करें।